नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। बता दे माल कहाँ है वरना। डॉक्टर को बुला लाता हूँ। अबे मेरे को भूत बनाता है। नहीं माधव भैया, यहाँ से भागने का तरीका ढूंढ रहा है तू। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं माधव भैया? मैं आपको इस हालत में छोड़कर भाग गया तो सोना दीदी को क्या मैं दिखाऊंगा? अच्छा, यही बातें कर करके तूने उसका दिमाग खराब कर दिया। चल
उठ मेरे साथ चल। माधव भैया सुनिए सुनिए रुक जाइए, आप ये तो बतलाइए कि यह हार आपको कहाँ से मिला जी? हाँ हाँ बोलिए। बापू छोड़ दीजिए मुझे। अरे अरे श्रीमान जी क्या कर रहे हैं आप? भाई साहब आप मुझे गलत मत समझिए, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि यह हार आपको कहाँ से और कैसे मिला। क्या मतलब? यह हार मेरी स्वर्गीय धर्म पत्नी की निशानी है जो मैंने उनके कहने के मुताबिक अपनी बेटी को दी थी। वो मुझसे नाराज होकर एक दिन घर छोड़ के चली गई, अब फिर कभी नहीं लौटी। देखिए आप भी एक बेटी के बाप हैं, आप मेरे हाल पे तरस खाइए, आप चाहें तो मुझे मेरी बेटी तक पहुंचा सकते हैं। आपकी बेटी का नाम शारदा था? ये फोटो को बराबर देखो मैं और फिर से पहचानो। अजीत साहब मैं जौरी हूँ, मेरे 60 साल की जिंदगी में ऐसा हार मेरे पास कभी नहीं आया, भला इसे पहचानने में मेरी आंखें कैसे धोखा कर सकती है। ये तस्वीर उसी शारदा देवी की है। मालिक ये लीजिए। जौहरी साहब आप जरा इसे पहचानिए, बताइए ये कौन है? ये शारदा देवी का बेटा कन्हैया है। सुना तुमने प्रताप, कन्हैया हमारी शारदा का ही बेटा है, हमारी अपनी शारदा का। हमने कहा था ना वो बच्चा ऐसा नहीं है। लेकिन वो ऑर्फनेज का रजिस्टर तो... रजिस्टर में नाम गलत लिखा गया होगा। देखो प्रताप अब और वक्त बर्बाद मत करो, कन्हैया जहां भी उसे ढूंढ निकालो, शहर के तमाम पुलिस स्टेशनों पर कंप्लेंट लिखवा दो और सारे अखबारों में कन्हैया की तस्वीर फौरन छपवा दो और लिख दो कि जो भी कन्हैया को हम तक पहुंचाएगा उसे 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अरे घर में ताला नहीं लगाया था क्या सुबह? अरे ये तुम लोग अपना अपना सामान देखो है, मैं भी आता हूँ। मेरा माल मेरा तेरा शुक्र है अल्लाह, सारा माल यहाँ छुपा के रखता है बुढ़ाओ। अरे माधव अच्छा मैं देखो मैं कन्हैया मैं अच्छा हुआ तुम आ गए हैं, मैं बहुत परेशान था। सुनो वो माधव सिंह आया कम बगल। अरे माधव कन्हैया ये क्या हालत बना रखी है? अंकस मत कर, ये ले लौंडे को संभाल। ए बड़ो माल दे। माल का मैं माल का कहा है? तू जानता है अपने पीछे पुलिस पड़ी, अपने साथ धतिंग करना नहीं, नहीं अपने को कुछ दिन के लिए यहाँ से गुल होना पड़ेगा, गुल होने के लिए अपने को माल चाहिए। चल अच्छा हाँ देता हूँ। देखो माधव सिंह मेरे पास माल माल नहीं है। अबे देता कर थोड़ा क्या कर रहा हूँ माधव सिंह? देखो इसमें जो पैसा तुमने देखा ना वो तो इन बच्चों की कमाई है, कसम से इसको हाथ लगाओगे तो माधव सिंह देखा मेरी उम्र भर की पूंजी है यहाँ, मेरे बुढ़ापे का सारा है इससे फोटू देना है। अरे मेरी उम्र भर की मैं छोड़ दो तूने तो मुझे तबाह कर दिया, पैसे बचाने। अबे अरे बुढ़ाओ कम वक्त इंशाल्लाह तू जेल में तो आएगा। अल्लाह मैं बर्बाद हो गया। राम सजे तूने मेरा माल डुबाया, तूने वो जगह देखी, तूने बताया। अरे अरे क्या कर रहे हो आप? अरे चीचा काय को मारते हो बेचारा? माल डुबाया मैं। अरे चीचा सुनो तो सही, अगर इसने आपका माल डुबोया है तो यही माल निकाल कर भी देगा। अरे ये देखो आज के पेपर में इसकी फोटो के साथ पब्लिक सिटी। अरे चवन्नी चाप का फोटो है एक बार में चवन्नी कन्हैया
दिया को लौटाने का इनाम 10,000 रुपए। 10,000? इशार देने वाले का नाम ठाकुर रणवीर सिंह। ठाकुर रणवीर सिंह। हेलो, ठाकुर रणवीर सिंह से बात कर सकता है क्या? नो, वो हॉस्पिटल गया है चेकअप के वास्ते। हम प्रताप बोलता है, बोलो क्या काम है? ये प्रताप कौन है रे? मेरे मामा जी। मामा? हेलो, देखो तुम्हारे कन्हैया है ना, वो अपने पास है। अगर तुमको कन्हैया वापस मांगता है ना, तो ठीक 9 बजे वर्सोवा के कब्रिस्तान पर इनाम का पैसा लेके आ जाओ। क्या कन्हैया उधर ही मिलेगा तुमको। वो फोन तुम लोग किया था? हाँ माल लाया। यस मैम, देखो लेकिन कन्हैया किधर है? वो भी आ जाएगा। ए छोकरी, कन्हैया को ले गया। इनाम का रुपया तुम खुद बंगले में आके ले सकता था, फिर तुम हमको इधर क्यों बुलाया? तुमको किसी का कोई डर होता क्या? ए सेठ, माधो किसी से डरता फिरता नहीं क्या? सब लोग अपने से डरते। ऑफ कोर्स मैन, बट यू नो, हम कुछ दिन पहले पेपर में पढ़ा होता कि दो आदमी एक बच्ची के साथ में एक रिच मैन के बंगले में चोरी करने को गया होता। एक चोर मारा गया और दूसरा आदमी सेठ का खून करके भाग गया विथ मॉल एंड बच्चा। उसके बाद पुलिस ने भागने वाले का हुलिया पेपर में दिया होता। वो बिल्कुल तुम्हारे मालिक होता। इतनी ज्यादा बकबक तेरी सेहत के लिए अच्छी नहीं सेठ। ओह नो मैन, ये क्या करता है? हम अपना हेल्थ के बारे में नहीं, हम तुम्हारा हेल्थ के बारे में सोचता है। तुम कन्हैया को हमको देकर एक बहुत बड़ा मिस्टेक करता है। क्या मतलब? मतलब ये मैन कि अगर तुम वही भागने वाला मर्डरर है और कन्हैया वही बच्चा है, तो उसका एक वर्ड तुमको फांसी लगा सकता है। कन्हैया को खत्म करने में ही हम दोनों का भला है। तुम समझ गया मैन? समझ गया सेठ। तुम उस कन्हैया का मामा है ना? है? लेकिन अरे तेरे माँ बाप ने तो तेरा नाम प्रताप रख के बहुत बड़ा गलती किया बड़ो। तेरे पे तो कंच नाम एकदम फिट बैठता है। What nonsense, man? आवाज ही चकर। काम का बात करूँ मैन, हम तुमको 10,000 की जगह पर इस काम का पूरा 20,000 रुपए देगा। बोलो मंजूर है मैन? मंजूर है सेठ। पर ये तो कलयुग है कलयुग, इसमें कंच मामा की जीत होगी और कन्हैया बेचारा बेमौत मारा जाएगा। चल मां, फैसले की घड़ी आ गई सोना। एक तरफ तेरे वो सारे अरमान, वो सारी खुशियां हैं जो माधव के अलावा तुझे कोई नहीं दे सकता, और दूसरी तरफ मासूम कन्हैया की जिंदगी। क्या तू उसके खून से अपनी मांग सजा सकेगी? हो गया था था। वो माधव सिंह ने मुझे कन्हैया को लेने के लिए भेजा है। चल चल। ऐसे भी क्या जरूरी है? अपने कन्हैया को अलविदा कहने तो हम भी चलेंगे। है? एक मिनट, मैं जरा अपना छाता लेके आता हूँ। तुझे सब समझा दूंगी। चल भाग, चल यहाँ से। माधव आ गया ना तो सब चौपट हो जाएगा। क्यों डर गई सोना? रूपा, तू इन लोगों के साथ क्यों? माधव सिंह का साथ देकर मुझे क्या मिला? उस हरामजादे ने मेरे प्यार को ठुकराया, मेरा अपमान किया। साला मुझे लोमड़ी कहता है। अब ये लोमड़ी उसे दिखाएगी कि वो शेर के दांत कैसे इकट्ठे करती है।
कन्हैया के इनाम के रुपए लेकर शहर से भाग जाना चाहता है। लेकिन लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुझे इनाम चाहिए ना, तुझे जितना रुपया चाहिए मैं तुझे ठाकुर से दिलवा। इस वक्त मुझे जाने दे। बस बस, मैं तेरी चिकनी चुपटी बातों में नहीं आने वाली। ला कन्हैया को मेरे हवाले कर दे। नहीं रूपा, इसके लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। इस मासूम को इसका हक दिलाने के लिए मैं अपने अरमान, अपनी खुशियाँ सब कुछ छोड़ कर आई हूँ। मेरी बहन, मैं तेरा हाथ जोड़ती हूँ। घबराओ नहीं सोना, तुम्हारा ये काम हम कर देंगे। कन्हैया की जिंदगी का सौदा अब हम करेंगे। लाओ इसे। कभी नहीं, मैं कन्हैया को तुम जैसे मक्कार के हवाले कभी भी नहीं करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। सोना मेरी जान, ये खूबसूरत घड़ी मत, इस वक्त मौत की बातें अच्छी नहीं लगती। कितना इंतजार करवाया है तुमने, तुम्हारी ये रस भरी जवानी यमराज के लिए नहीं, राणा के लिए। लाओ इसे। तुझमें अब भी जान बाकी है। रूपा, तुम सब लोग कन्हैया को लेकर अपने अड्डे पर पहुंचो। मुझे 40 सोन का कर्ज चुकाना।